लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और केंद्र की एनडीए सरकार में गठबंधन के सहयोगी हनुमान बेनीवाल ने किसान आंदोलन के समर्थन में संसद की 3 समितियों से इस्तीफा देकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। साथ ही किसान आंदोलन के समर्थन में 26 दिसंबर को दिल्ली कूच करने का ऐलान करने वाले हनुमान बेनीवाल का कहना है कि उनके पास जो संजीवनी है वो किसानों के काम आएगी। बेनीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी का आधार किसान है। केंद्र से 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए हनुमान बेनीवाल ने केंद्र सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने केंद्र किसान कानून वापस नहीं लिया तो आरएलपी कार्यकर्ता दिल्ली कूच करेंगे और राजधानी का घेराव करेंगे। हमारे साथ हैं आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल, उनसे बात करते हैं। हनुमान जी, किसान आंदोलन को किस तरीके से समर्थन देंगे? आपने रणनीतिक बैठक की, क्या योजना बनाई? देखिए, किसान आंदोलन को हमने शुरू से समर्थन दिया है, क्योंकि जिस दिन बिल पारित हुआ था उस दिन मैं लोकसभा के अंदर नहीं था, मेरी ड्यूटी कोरोना रिपोर्ट बता के मुझे बाहर कर दिया था। लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से समय समय पर मैंने 3 कृषि बिलों का विरोध किया। एनडीए चेयरपर्सन को लेटर भी लिखा, प्रधानमंत्री जी से अपील भी करी कि 3 बिल वापस लें, दिल्ली की सरकार जीत छोड़ें, ये किसान विरोधी है 3 बिल। अगर आप किसानों का भला चाहते हो तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो, तब मैसेज आएगा कि मोदी जी किसानों के हित के अंदर है। और 15,000 लोगों का प्रदर्शन भी हमने किया था। उस समय गृहमंत्री जी ने हमें कहा कि आप 7 दिन का समय हम लोगों को दें, और उनकी बात मान के हम लोग वापस आ गए। लेकिन अब लग रहा है कि दिल्ली की सरकार किसान आंदोलन को कुचलने के मूड के अंदर है। कई एक संत ने आत्महत्या करके इस आंदोलन के अंदर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, और कई किसानों ने शहादत दी, वहाँ पे अपनी जान गंवा दी। और दिल्ली की सरकार टस से मस नहीं हो रही, जिद पकड़ के बैठी है। इन बिलों से किसानों का भला नहीं होने वाला। प्रधानमंत्री जी, समय रहते आप बड़ा मन रखो और बैकफुट पे आओ, और बड़ा मन रख के ये ऐलान करो कि 3 बिल वापस लिए जाते हैं। अभी इनको आप चाहो तो इनको रोक दो एक बार बिलों को, जैसा सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि इनको लागू नहीं करें। सरकार को विचार करना चाहिए। जब सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है, देश का किसान अन्नदाता सड़कों पर, जवान सड़कों पर, इस बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाएं, नहीं तो ये एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में भारी पड़ेगा। क्या उसके बाद आरएलपी और एनडीए के रास्ते अलग अलग? मैंने तो पहले ही आपको कह दिया कि राजस्थान में कोई हमारा गठबंधन है ही नहीं। वो हुआ हो तो दिल्ली के लेवल पे हुआ होगा, और बीच में रहा तो रह गया होगा। अब मुझे नहीं लगता रहेगा लंबा गठबंधन। तो हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि उन्हें नहीं लगता कि ज्यादा लंबा गठबंधन एनडीए के साथ रहेगा, लेकिन साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि उनके पास जो संजीवनी है वो केंद्र सरकार की बजाय किसानों के साथ ज्यादा रहेगी। कैमरा पर्सन विजय करण के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर।